दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं परफेक्ट पल्स। जैसा कि वीडियो का टाइटल है, टाटा का शेयर एक ऐसा है जो आपके लिए जबरदस्त एक प्रॉफिट कमा कर दे सकता है, क्योंकि परफेक्ट पल्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो पहले एक शेयर किसी भी शेयर को जब पिक करता है तो उसके बारे में पहले डीप स्टडीज करता है, फिर आपके सामने वो शेयर को रखता है। बात कर लेते हैं शेयर की, तो शेयर का अभी बढ़ने का क्या कारण है और शेयर आगे क्यों बढ़ सकता है, ऐसा क्यों प्रॉफिट पल्स को लगता है, क्योंकि अभी जून तिमाही की जो नतीजे आए हैं उससे भी शेयर्स में इन्वेस्टर्स की एक रुचि बढ़ी है। और दूसरी बात कर लेते हैं, अगर अभी जो एक रेटिंग दी है रेटिंग कंपनी मूडीज ने, जो उसके सीनियर डायरेक्टर हैं आपके चौबाल चौबाल जी, उन्होंने ये बोला है कि पिछले कुछ टाइम से इसका जो प्रॉफिट है वो पिछले ईयर से बढ़ा है। बात कर लेते हैं कंपनी, तो कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने पिछले साल से इस साल अपने मार्जिन को बढ़ाया है। कंपनी के एक्सपेंडिचर होने के साथ साथ भी कंपनी के मार्जिन में भी बढ़ोतरी हुई है, और ऐसा मूडीज के डायरेक्टर चौबाल जी को लगता है कि आने वाले समय में भी, अगले वित्तीय वर्ष में भी, ये एक्सपेक्टेड है कि इनका मार्जिन प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा। तो जो अभी इसका जो प्राइस चल रहा है वो करीब 1,070 रुपये के आसपास चल रहा है, और ऐसा प्रॉफिट पल्स को लगता है कि इसका टारगेट प्राइस लगभग 1,300 रुपये होना चाहिए, और ऐसा सिर्फ प्रॉफिट पल्स को लगता है। अगर आप किसी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने पहले वित्तीय वर्ष से वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि जो शेयर मार्केट है बहुत बड़ा जोखिम बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। तो किसी भी शेयर को पिक करने से पहले, उसको खरीदने से पहले, पहले उसके बारे में डीप स्टडीज करें, उसके बाद में उसको एनालाइज करें और तभी किसी शेयर को परचेज करें, क्योंकि प्रॉफिट पल्स कभी भी डायरेक्ट रिकमेंड नहीं करता है किसी भी शेयर को या किसी स्टॉक को परचेज करने के लिए। और प्रॉफिट पल्स कभी भी कोई शेयर आपके सामने रखता है तो पहले उसके बारे में स्टडीज करता है और उसको देखता है, एनालाइज करता है, फिर आपके सामने रखता है और फैक्ट्स पे रखता है। तो अभी इसके जो दो नतीजे निकल के आए हैं टाटा मोटर्स के, एक तो नतीजा निकल के आया है कि मूडीज ने जो रेटिंग कंपनी है उसने ये दिया है, रेटिंग दी है जो BA3 से दो स्टेप बढ़ाकर BA1 रेटिंग दी है जिसको। और चूंकि इन्वेस्टर्स को ये भी लगता है कि आने वाला त्यौहार का सीज़न है, आने वाले टाइम में तो धीरे धीरे डिमांड में थोड़ी बढ़ोतरी भी होगी। और बाकी दूसरा जो उसका कारण रहा वो ये रहा कि जून तिमाही के नतीजे आए, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है पिछले वर्ष से, और अगले वर्ष लगभग मूडीज का मानना है कि 8% से भी अबव हो सकता है। तो इन सबको पहलुओं को देखते हुए प्रॉफिट पल्स ने ये एनालाइज किया कि ऐसा प्रॉफिट पल्स को लगता है इसका टारगेट प्राइस टाटा मोटर्स का लगभग 1,300 रुपये के आसपास रह सकता है। तो किसी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लें, तभी किसी मार्केट में किसी भी चीज़ में निवेश करें। ये प्रॉफिट पल्स कभी भी डायरेक्ट रिकमेंड नहीं करता है किसी प्रॉफिट किसी शेयर या स्टॉक को खरीदने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।